अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई रोला नहीं आप लोगों की ज़िंदगी में होगा। अल्लाह ताला लाए भी ना, अल्लाह ताला सबकी लाइफ में एक अच्छा वक्त लाए। पहले तो वैसे भी हम लोग की लाइफ के ऊपर एक कोरोना ऑलरेडी एक बुरे साए की तरह मंडला रहा है, लेकिन ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब अल्लाह ताला हम लोगों को जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा दे और हम लोग की लाइफ जो है वो नॉर्मल हो। बच्चे बड़े बूढ़े सब घर में रह रह के एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उन्हें भी ऑब्वियसली बाहर आउटिंग की, हवा की, घूमने फिरने की नीड है, लेकिन नहीं जा सकते। सो खैर, अल्लाह ताला हमारे लिए इस मुश्किल टाइम में हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और हम लोग को जल्दी ही इस मुसीबत से जान छुड़वाएं। चलें जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है आप लोगों के फेस मास्क के ऊपर। बहुत सारे लोगों का इश्यू होता है कि उनके फेस पे ब्लैक हेड बन जाते हैं, वाइट हेड बन जाते हैं जो निकलते नहीं हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों को भी कुछ स्टीम लेते हैं, कुछ वो पिन से निकलवाते हैं, पार्लर पे जाके स्पेशली स्क्रबिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी बहुत कम है कि वाइट हेड आप लोगों की जान छोड़ दें। लेकिन जो आज का जो हमारा फेस मास्क है उसके बाद आप लोगों की इंशाल्लाह ताला इस मसले से भी जान छोड़ जानी है। अच्छा जी, आप लोगों के वैसे तो मैंने जो है ये सो नेचुरल कंपनी है, ठीक है, इसका मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन ये हम घर पे भी बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें सब नेचुरली जो है वो चीज़ें ऐड ऑन हैं। इसके अंदर जो है वो चावल का आटा है डीप पिसा हुआ, और जो बेसन है, और फिर उसके बाद इसमें आ जाता है ज़ाफ़रन तो ऐड ऑन है, हल्दी है, और इस तरह इसको हम लोग चाहें तो हम उसे नीम के पत्ते भी इसमें हैं। नीम के पत्तों को अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने उसको पाउडर फॉर्म में ले लेना है। जो चावल का आटा है वो भी आप लोगों ने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले लिया, बेसन ले लिया पाउडर फॉर्म में, वो तो वैसे ही पाउडर फॉर्म में होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर एक चुटकी हल्दी भी डाल लेनी है, और ऑलमोस्ट एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। ज़ाफ़रान आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा गोरा कर देता है, ग्लोइंग कर देता है, और आप इसके यूजेज के बाद आप देखेंगे आपके फेस के ऊपर बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आ गया है। तो मैंने खैर ये बना बनाया लिया है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने क्वान्टिटी किस तरह से लेनी है, आप लोग चाहें तो एग्ज़ाम्पल 2 चम्मच अगर आप लोगों ने बेसन के लिए हैं, सॉरी बिग 2 चम्मच ही आप लोगों ने चावल के आटे के लेने हैं, और 2 चम्मच ही नीम के पाउडर जो है उसका लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर एक चुटकी जो है हल्दी की ऐड ऑन कर देनी है, और एक चुटकी ही ज़ाफ़रान की ऐड ऑन करके अच्छे से मिक्स करके किसी भी अच्छे जार में, एयर टाइट जार में उसे रख लेना है, और उसके बाद फिर आपको। चलें जी, अब हम चलते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। आप लोगों ने क्या करना है, एक खाली बाउल ले लिया, उसके अंदर आपने एक मिनट उसके अंदर आपने इसको, अच्छा ये बना के पेस्ट रख नहीं सकते आप लोग, इसको जब भी बनाना है फ्रेश ही बनाना है, मतलब पेस्ट जिसमें ऐड ऑन करना है, मैंने दूध ऐड ऑन करना है, तो बस आप उतना ही करें जितना का जितना कि आपके फेस के लिए हो, तो इसलिए नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जी मैं इसको ऑलमोस्ट इतना लिया है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं ऐड ऑन करूँगी, ये अगर हाफ चम्मच है तो ऑलमोस्ट 1 चम्मच इसका दूध का जाएगा, तो इसमें हम दूध ऐड ऑन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने इसे दूध, ये देखिए जी हमारा पेस्ट रेडी है। अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि हम अपने फेस को कैसे गोरा गोरा और ब्लैक एंड वाइट हेड रिमूव कैसे करते हैं। चलिए जी करते हैं, अब हम अप्लाई, चाहे तो आप लोग ब्रश यूज़ कर सकते हैं, मैं फिंगर से यूज़ करती हूँ। ये देखें जी, आपने इसको यूँ करके प्लीज़ ट्राई करें, आप लोगों का जो फेस है वो वॉश हो। मैंने अभी फ़िलहाल इस फेस के ऊपर एलोवेरा जेल अप्लाई की थी, और ऊपर मैंने वो जो टिंट किया था, एक मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था अपनी चीक्स को टिंट करने का, तो मैंने वो अप्लाई किया, और मैंने कोई बीबी क्रीम कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, ओनली एलोवेरा जेल।
अच्छा, जिस जिस एरिया के ऊपर आप लोगों का ये ज़्यादा हो, आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे फेस के ऊपर ब्लैक और वाइट जो है हेड है वो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोगों के नाक के ऊपर या ये वाले एरिया पे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे बहुत कम है जो ब्लैक और वाइट हेड जो है वो बने। आप इसको अच्छे से अपना एरिया जो है वो कर लें और इस पे ना लगने दें और इसे बचा के रखें। ये टिंट जो है ना वो गीला होने के बाद अपना असल रंग दिखा रहा है। अच्छे से लगा लें। ये सिर्फ ब्लैक और वाइट हेड रिमूव करने के लिए नहीं है, आप चाहें तो उसको अपनी वीक में एक दफ़ा अप्लाई करें, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो होने लगी। ये हो जाता है ड्राई 10 मिनट तक, फिर मैं आती हूँ 10 मिनट के बाद। ये देखिए जी, ये ड्राई हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, मतलब बिल्कुल अकड़ा हुआ फेस ना हो। आप लोग ने बस इसको हल्का हल्का, जैसे इसमें नमी है अभी थोड़ा गीला गीला फील आ रहा है तो वैसा रखना है। तो उसके बाद अब आपने जाना है इसको हाथों को गीला करके हल्के हल्के हाथों से इसको स्क्रबिंग के तौर पे करना है 2-3 मिनट करके सर्कुलर मोशन में। उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है और फिर फेस धोने से पहले एक टिप जो मैंने पहले भी शेयर की थी अपनी राइस स्क्रब में भी, कि अगर आपने दूध वाली प्रोडक्ट कोई भी यूज़ की है अपने फेस के ऊपर तो आप लोगों के लिए मस्ट है कि आप लोग अपने फेस को फेस वॉश या फिर आप जो भी सोप फेस के लिए यूज़ करें उससे ज़रूर वॉश करें, नहीं तो आपको फिर एक्ने होने लग जाती है। सो चलें जी, अब मैं आती हूँ वॉश करने के बाद। ये देखिए जी, मैंने रिमूव कर दिया है, आप देखें मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो गई है। मैं फेस के ऊपर टॉवल जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, स्किन हमारी सेंसिटिव होती है।